अभी आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख पा रहे होंगे बेसबॉल वाली। अब ये वीडियो ना इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और जो भी इस टाइप की वीडियोस बना रहा है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। होम पेज में भी बहुत सारी इस टाइप की वीडियो शो हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि यार इस तरीके की आप लोग बहुत बढ़िया टाइप की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दो क्लिप्स प्रोवाइड करूंगा, एक ये वाली और एक ये वाली। अब आपको जो भी बेसबॉल वाली क्लिप पसंद आ रही है आप उनको अपनी वीडियोस में यूज करके इस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना है। तो मेरा नाम है मनीष एंड आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और हम लोगों को VN वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करते हैं इस तरीके से। अब ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो स्किप वगैरह कुछ ऑप्शन आएगा, स्किप कर देना, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस फाइनली आ जाएगा। अब हम लोग को सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बेसबॉल वाली वीडियो है जो शुरुआत में हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये वाली वीडियो को ऐड कर रहा हूं जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो वायरल भी हो रही है इस तरीके की, वो वाली ऐड कर रहे हैं हम लोग यहां से। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये यहां पे आ गई, जिस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं टाइमलाइन को बड़ा छोटा इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पे सबसे लास्ट में एक 3 सेकंड का ये कुछ ब्लैंक आ जाएगा, इसको हटाना है। उसके बाद हम लोगों को यहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो फोटो पे क्लिक करना है, फोटोज वाले सेक्शन में चलना है, ऑल पे क्लिक करना है और अब हम लोगों को क्या करना है, 8-9 फोटो को सिलेक्ट करना है। 9 फोटो एग्जांपल के लिए हम लोग यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे रिसीव पे क्लिक करता हूं और यहां से मैं 9 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9 फोटो को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम लोगों को जैसा लगता है कोई फोटो सेंटर में नहीं आया तो उसको किस तरीके से क्रॉप करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल मेरे को लगता है ये फोटो ना सेंटर में नहीं आया है तो इसको जस्ट हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे 9:16 पे क्लिक कर देना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लाइक अगर हम लोग इसको कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी फोटो सेंटर में नहीं आता तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है कि टाइमलाइन को अभी कुछ देर के लिए थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो 3 सेकंड है तो इसको हम लोगों को छोटा छोटा कर देना है इस तरीके से। यहां पे कर देते हैं हम लोग फटाफट इस सब ये जितने भी फोटो हैं 9 की 9 फोटो को हम लोगों को एक साइज में इस तरीके से कर देना है यहां पे और टाइमलाइन को छोटा करके करना है। नहीं तो अगर आप लोग टाइमलाइन बड़ा करके करेंगे तो आप लोगों को साइज समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इतना इतना कर देते हैं हम लोग सारे के सारे फोटो को और मेक श्योर आप ध्यान में रहें कि जो भी आपकी टाइमलाइन वो 8 सेकंड से ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि जो ऑडियो है वो 8 सेकंड की ही है जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 8 सेकंड से ऊपर तो नहीं गया ना, तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो ऑडियो लगभग 8 सेकंड की परफेक्ट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग टाइमलाइन को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो के ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये रहा प्लस का आइकन, ऑडियो पे क्लिक करना है हम लोगों को और म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बेसबॉल करके ऑडियो का लिंक मिल जाएगा तो चूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से और राइट पे टिक कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गई ऑडियो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो लगभग हमारी 8 सेकंड की और यहाँ तक हमारी जो है फोटोज भी आ रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो वीडियो है ना इसका साउंड हम लोगों को 0 कर देना है क्योंकि ऑडियो में ऑलरेडी साउंड है। तो यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, साउंड को क्रॉस कर देते हैं तो साउंड इसका बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब मैं आपको पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार प्ले करके बता देता हूँ, फिर हम लोग ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन ऐड करने का तो हमारी फाइनल वीडियो बनेगी। तो पहले मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, तो हमारी वीडियो अभी रेडी नहीं हुई है क्योंकि हम लोगों ने इसमें ट्रांजिशन ऐड नहीं करे। जब तक ट्रांजिशन ऐड नहीं करेंगे जब तक हमारी वीडियो परफेक्ट नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक जूम इन वाला ये वाला, तो ये वाला जो देखिए ये वाला जूम इन या जूम वाले पे हम क्लिक कर सकते हैं। जूम इन पे क्लिक करते हैं तो जूम इन वाले या फिर आप लोग जूम, दोनों आपको जो बढ़िया लगता है वाला क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम वाले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सभी में जूम कर लेते हैं, सभी में फटाफट प्लस के आइकन पे क्लिक करके सभी में जूम को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत बढ़िया लगने लग जाए। तो यहाँ पे ये सभी जितने फोटोज हम लोगों को उसमें जूम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं फटाफट सारे फोटोज को जूम कर लेता हूँ, जूम पे सिलेक्ट कर देता हूँ जूम ट्रांजिशन को और ये जूम सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। इस वाले फोटो में भी हम लोग जूम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले फोटो में भी जूम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे मैं आपको प्ले करके वीडियो बताता हूँ कि कितनी परफेक्ट वीडियो हमारी बनी है।
तो हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब हम लोगों को किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओरिजिनल में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में कुछ कस्टमाइज करना है 1080p वगैरह के, अगर आप लोग कुछ कस्टमाइजेशन बिटरेट FPS वगैरह अगर आप लोग कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट पे टिक कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर आप लोग इसको 100 तक एक्सपोर्ट होने दें, तभी जाके ये वीडियो एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। तो 17% हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग जो इंस्टाग्राम रील्स में बेसबॉल वाली वीडियोस जो ज्यादा चल रही है उस तरीके की वीडियो आप बना सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम रील्स के लिए बेसबॉल वाली वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।